तस्वीरें देख सकते हो आप सभी दोस्तों, क्या आधा ही बचा बनने के लिए। देखो वो वहाँ पर पार्ट जो क्रेन मशीन ने उठा रखा है, अब उसे लगाएंगे दोस्तों, नट बोल्ट कसेंगे उसमें, तो चलेंगे हम आगे अशोक नगर RRTS के स्टेशन दिखाएंगे। चल के आगे चलते हैं, फिर आपको पता चलेगा दोस्तों। देखियो सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब, आइए आप अच्छे होंगे। मैं KP संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं फिर से एक महीने के बाद मैं आप सभी को अपडेट दे रहा हूं दोस्तों, कोंडली में, यानी कि जो स्टील का ब्रिज बनाया गया है दोस्तों कोंडली में, ये नाले के ऊपर दोस्तों, दिल्ली मेरठ RRTS को जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है दोस्तों, यहीं से ये अंडरग्राउंड टनल की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। जब मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में जब दिखाया था मैंने, तो देख सकते हो ये साइड के पैराफिट वॉल है, इस पर कॉन्क्रीट नहीं भरा गया था, बस सरियाओं का जाल बना कर छोड़ दिया था। और जब आज आप दो लोगों को अपडेट मिल रहा है दोस्तों, तब देख सकते हो यहाँ पर ये पैराफिट वॉल भी बना दिए हैं, और इधर ये ब्रिज के ऊपर, लोहे के ब्रिज के ऊपर दोस्तों, इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा था, जो कि फ्लोरिंग वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और वो आगे एक पैच बता हुआ था बनाने के लिए, वो कितना बन गया है वो आप सभी को आगे बताऊंगा चल के। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता। तो चलते हैं आगे, दिखाते चल के कोंडली के चौराहे पर दोस्तों, के वहाँ पर जो ब्रिज बनाने का काम था वो बना है या नहीं बना है, तो वहीं चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। देखो दोस्तों ये ब्रिज है, यहाँ तक तो देखो फ्लोरिंग वर्क कर लिया जा चुका है, यहाँ पर इस पर फ्लोरिंग वर्क किया जाएगा, इस वाले पैच पे उस पर हो चुका है दोस्तों, पल्ले वाले पे इस पर किया जाना है, इस पर भी किया जाना है। और यहाँ पर जो नहीं बना था उस टाइम पे ब्रिज, देखो ये इंस्टॉल किया जा रहा है, जो आधा बन के कम्प्लीट हो गया, आधा बचा हुआ है अभी, ये देख सकते हो तस्वीर है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, ये देखो सारे में ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। देखो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है दोस्तों ये ब्रिज, देखो यहाँ पर ये जोड़ने का काम किया जा रहा है, वहाँ पर नट बोल्ट द्वारा ही कसा जाता है, और यहाँ से ये बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो गया है, तो इसको भी अभी किया जा रहा है। और यहाँ पर ये एक नाले के ऊपर दोस्तों ब्रिज बनाया है इन्होंने, देखो इसका भी काम चल रहा है, जिस पे इस पर भी पैराफिट वॉल नहीं बने थे इस साइड में, तो आप बन गए हैं। और किस तरीके से यहाँ पर देखो इंस्टॉल किया जा रहा है, आप लोग तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों। देखो कुछ ये काम चल रहा है यहाँ पर बनाने का, तो इधर भी बनाया है एक फ्लाईओवर, और एक इधर बनाया, देखो एक ये रहा और एक ये है इधर, तो ये यहाँ पर ये दिल्ली मेरठ RRTS का काम चल रहा है दोस्तों। देखो किस तरीके से यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, रोड को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, मतलब आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि भारी भरकम सामान होता है, तो इस वजह से ही यहाँ पर दिक्कत होती है, तो इसलिए इन्होंने आवाजाही बंद कर दी है दोस्तों। देख सकते हो बस यही वाला बचा हुआ था, ये भी बनकर कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि इसका आधा अधूरा बन गया हो, तभी मैं आप लोगों को अपडेट देने के लिए आया हूँ। अब यहाँ से चलेंगे दोस्तों आगे, दिखाते हैं चल के न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन दोस्तों। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर कोंडली का जो नाला है उसके ऊपर दोस्तों स्टील का ब्रिज बनाया जा रहा है रैपिड रेल का दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो जो सारा पार्ट पूरा बन के कम्प्लीट हो गया, बस ये एक पार्ट बचा हुआ है, वो भी बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों एक हफ्ते के भीतर भीतर दोस्तों। और देखो नाले के ऊपर यहाँ पर ये ब्रिज भी बनाया गया है, ये पुराने ब्रिज हो गए थे तो इसीलिए ये नए ब्रिज बनाए गए हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, नज़ारा ही दोस्तों क्या खूबसूरत है यहाँ कोंडली में, नाले के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर भाई साहब स्टील का ब्रिज बनाया गया है, और भाई साहब दृश्य भी बहुत सुंदर होगा जब यहाँ से रैपिड रेल इस पर गुजरा करेगी दोस्तों, नज़ारे कुछ अलग हुआ करेगा, और पब्लिक आप भाई साहब खड़े होकर देखा करेगी इस नज़ारे को दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो सारे में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, तो शटरिंग लगा दी है इन्होंने, मतलब कि दो पार्ट में शटरिंग कंप्लीट होते ही चलेंगे आगे, दिखाएंगे चल के आप सभी को न्यू अशोक नगर RRTS के स्टेशन। तो देख सकते हो इस लाइन पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लग चुके हैं दोस्तों, और इस पर ट्रैक स्लैब भी बिछा दिया जा चुका है दोस्तों, ट्रैक बिछाने का काम जो था वो कम्प्लीट हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लग चुके हैं,
के ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, उसके बाद में ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एक बहुत नई बड़ी खुशखबरी आप सभी को इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं कि अक्टूबर में 16 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के बीच में दोस्तों जो प्रायोरिटी सेक्शन है दोस्तों पैकेज वन यानी कि साहिबाबाद से लेकर और दुहाई तक के बीच में दोस्तों पहली बार इसका मुहूर्त किया जाएगा। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे दोस्तों, तो वो देखो 16 तारीख के बाद और 20 तारीख के बीच में कभी भी आ सकते हैं। उससे पहले हमारे योगी आदित्यनाथ उसका अभी जायजा करने आएंगे। और इसमें वसुंधरा में श्री नरेंद्र मोदी जी वसुंधरा में एक रैली को भी संबोधित करेंगे दोस्तों। और उसी दिन दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि RRTS की सौगात मिलने वाली है आप सभी को बैठने के लिए और देखने के लिए मिलेगा रैपिड रेल में, जो स्वदेशी है हमारे भारत में पहली बार चलाई जा रही है दोस्तों। लोगों की सपने की हकीकत जैसा होने वाला है दोस्तों, जो कभी सपना देखा करते थे अब वो सच होने वाला है दोस्तों। और 16 से और 20 अक्टूबर के बीच में इसका प्रायोरिटी सेक्शन दोस्तों उसका मुहूर्त कर दिया जाएगा, तो उस पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। और आप लोगों को अगला अपडेट वहीं का देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों देखते रहो, केपी संत लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता दोस्तों। और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आने वाले अपडेट्स आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे देखने के लिए मिलेंगे केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो ना देर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करो दोस्तों, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और आने वाले टाइम में आपका भाई आपके बीच में बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर आता रहेगा दोस्तों। और देख सकते हो कुछ ही दूरी पर अभी दिखाई देने लगा हुआ थोड़ा थोड़ा अशोक नगर RRTS का स्टेशन, उस पर भी देखते हैं चलकर और बताते हैं आप लोगों को कि वहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है दोस्तों, क्या कंप्लीट हो चुका है, कितना अभी कंप्लीट होने के लिए बचा हुआ है। तो वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी नहीं लगे हैं, और इस साइड में दोस्तों अभी ट्रैक स्लैब भी नहीं बिछाए गए हैं, क्योंकि ये स्टेशन है न्यू अशोक नगर का, तो इस वजह से उधर भी उधरी हिस्से में बचा। और जो कोंडली के ऊपर जो आयरन ब्रिज बनाया गया है उस पर भी अभी ट्रैक स्लैब डाला जाएगा, तो पहले उस पर फ्लोर वर्क किया जाएगा दोस्तों। तो अभी तो वो इंस्टॉल ही किया जा रहा है, तो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, ये आ चुका है न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन दोस्तों। और यहीं पर ब्लू लाइन का भी स्टेशन है, तो उसको भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। वो कहां से दी जा रही वो आप लोगों को देखने के लिए देख सकते हो आप सभी दोस्तों। इसका कौन कौन से लेवल बन के कम्प्लीट हो चुका है, जो प्लेटफॉर्म लेवल है दोस्तों वो बनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखो क्रेन मशीनें रखी हुई है, और आप लोगों को बता दूँ ये क्रेन मशीन खड़ी हुई है ना, यहाँ पर देखो ये मिट्टी पड़ी है, इसके बिल्कुल जस्ट सामने ही दोस्तों एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर यह फाउंडेशन बना लिया जा चुका है, सरियाओं का जाल भी खड़ा कर दिया है फाउंडेशन कर, दूसरी साइड में तो बनकर कंप्लीट हो गया, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों इस वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हो तस्वीरें, यहाँ पर ये सेटरिंग लगी हुई है और इसका प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है। अभी तो इसमें जो रूफ टॉप का काम है दोस्तों उसका स्ट्रक्चर भी लगाया जाना, तस्वीरें देख सकते हो, अभी तो इसका कौन कौन से लेवल ही बनाने का काम किया जा रहा है। देखो कितना लंबा चौड़ा है, और इसका फ्लोरिंग वर्क हो चुका है कम्प्लीट, और ये दोस्तों ब्लू लाइन से जोड़ा जाएगा, तो इसी वजह से ये कौन कौन से लेवल दिया गया है नीचे। ऊपर तो देखो गाड़ियाँ दौड़ेंगी, तो देखो वो ट्रैक है, और पिछली बार जब हमने आप अपडेट दिया आप लोगों को तो ये ब्लू लाइन के बीच में ही लॉन्चर दोस्तों लगा हुआ था। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर ये पायल मशीन द्वारा यहाँ पर ज़मीन में गड्ढे किए जा रहे हैं। देखो पायल मशीन ये खड़ी हुई है, और इससे ब्लू लाइन से जोड़ा जाएगा, तो यहीं पर यह दोस्तों पायल मशीन कर रही है, और इसके ऊपर पिलर बनाया जाएगा, फिर ये ब्लू लाइन से जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी दोनों को मिलेगी दोस्तों। और आने वाले टाइम में दोस्तों एक तरफ से ब्लू लाइन गुजरेगी, दूसरी तरफ से दोस्तों क्या रैपिड रेल दौड़ेगी दोस्तों 160 किलोमीटर की रफ्तार से, देख सकते हो दोस्तों।
किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो, ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। बनकर कंप्लीट हो गया दोस्तों, बस स्टेयर बनाने का काम किया जा रहा है और इसमें प्लेटफॉर्म लेवल के लिए जो फ्लोरिंग वर्क है वो भी किया जा रहा है। सेटिंग देखो ये लगी हुई है दोस्तों, और यहाँ पर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है। एक पिलर तो ये बन गया है, दूसरा वहाँ पर बनाया जाएगा जिस पर फाउंडेशन का काम किया जा रहा है। दोस्त देखो दोस्तों, वो फाउंडेशन बनाकर और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया दोस्तों, और इस साइड में ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो, ये स्टेयर के लिए ही ये सेटिंग लगा दी है इन्होंने। अब इधर ये आगे बनाया जाएगा जिसका फाउंडेशन बनकर कंप्लीट हो गया। देखो सरियाओं का जाल ये बना दिया है फाउंडेशन का दोस्तों, अब इस पर कंक्रीट भरा जाएगा दोस्तों। तो ये बनाया जा रहा है देखो, एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोस्तों होने वाला है। तो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है, ये न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन दोस्तों। देखो ये फ्लोर वर्क रहेगा क्योंकि ये ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर ये लंबा चौड़ा फ्लोर दिया गया है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीर है, और लॉन्चर पिछली बार इस ब्लू लाइन के ऊपर था वो, जो कि आगे पहुँच चुका है अब वहाँ पर जाकर। देखो कुछ ये बनाया गया है दोस्तों स्टेशन, ठीक है, न्यू अशोक नगर RRTS का। तो यहाँ पर देखो ये सारे में ही जगह साफ़ कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये पार्किंग बनाई जाएगी दोस्तों, तो इसी वजह से यहाँ पर देखो सारी जगह। पिछली बार जब आया था तब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आप सभी को। देखो यहाँ पर ये सेटिंग लगा दी, अब इसमें कंक्रीट भरा जाएगा और इसको स्टेयर को बनाया जाएगा दोस्तों। देखो बस इन्होंने अभी सेटिंग ही लगाई है, ये देख सकते हो, ये कुछ ऐसा बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट दोस्तों। अब वो प्लेटफॉर्म है ही, उधर भी बनाया जा रहा है जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया था। चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के दोस्तों। देखो भाई साहब वो लॉन्चर वहाँ पर लग रहा है, देखो क्या ही नज़ारे यहाँ पर हैं, ऐसा है। देखो ये न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन जो बनाया गया है दोस्तों, और यहाँ पर ये सारी जगह साफ़ कर दिया दोस्तों यहाँ पर पार्किंग के लिए। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये नज़ारे हैं यहाँ के। देखो ये आ गई दोस्तों ब्लू लाइन, और ये क्रॉस करेगा दोस्तों, लॉन्चर वो वहाँ पर लगा हुआ है, और ये RRTS क्रॉस करेगी मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चल के दिखाते हैं नज़ारे, देखो क्या ही खूबसूरत है। देखो दोस्तों ये ब्लू लाइन है और ऊपर चलेगी रैपिड रेल दोस्तों, और दोनों का क्या ही भाई साहब नज़ारा होगा जिस टाइम पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे दोस्तों, है ना। देखो कुछ ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं पहली मेरठ RRTS कॉरिडोर, न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन दोस्तों, और ये है ब्लू लाइन, और इधर जा रहा है ये सराय काले खां के लिए। लॉन्चर देखो वो लगा हुआ है, एक उधर से आ रहा है दोस्तों। होनी है अभी देखो।